कृषि मंत्री कमल पटेल का राजस्थान प्रवास के दौरान जोधपुर में गर्मजोशी और आत्मीयता के साथ स्वागत किया गया है। इससे पहले दिल्ली में कमल पटेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर मध्य प्रदेश की 25 कृषि उपज मंडियों में पेट्रोल पंप खोलने को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के जोधपुर पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी नेता विमानतल पहुंच गए और उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए प्रभावी योजनाओं को अमल में लाया जा रहा है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी। कृषि उपज मंडियों को स्मार्ट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से चर्चा के बाद प्रदेश की 25 मंडियों में पेट्रोल पंप खोलना तय हो गया है। 21 तारीख को मैंने दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भेंट की और उनसे मध्य प्रदेश में मंडियां और किसानों के खेतों में हम क्या सुविधा दे सकते हैं उस पर चर्चा की। मैंने उनको सुझाव दिया कि हमारी मंडियां 259 हैं, उसमें से 40 मंडियां हमारी ए क्लास मंडियां हैं, वहां पर अगर पेट्रोल पंप आपकी कंपनी डालेगी तो किसानों को भी सुविधा होगी और पेट्रोल पंप कंपनी को भी अच्छा मार्केट मिलेगा। और वो तत्काल सहमत हो गए और उन्होंने तत्काल उनके पीएस को निर्देशित किया कि कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के कमल पटेल से बैठ कर चर्चा करें और शुरू में 25 पेट्रोल पंप उन्होंने कहा कि हम पायलट प्रोजेक्ट में लेंगे और उसके बाद फिर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो उसको पूरे प्रदेश में उसको फैलाएंगे। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव था मेरा, क्योंकि किसान मंडी में आता है और मंडी में आकर जब अपना माल बेचता है और जब वापस जाता है तो उसी समय वहीं डीजल डलवा कर और अपना घर चला जाए। एक दूसरा, हम मंडियों को स्मार्ट मंडियां बना रहे हैं और स्मार्ट मंडियां बनाकर मंडियों में जो हमारे पास जगह है अच्छी लोकेशन की, क्योंकि सिटी के अंदर आ गई है, पहले छोटा शहर था तो मंडियां बाहर थी, अब बड़ा शहर फैल गया तो बीचों बीच आ गई, तो वहां पर किसानों को खाद बीज और दवाई, अच्छी गुणवत्ता का बीज, अच्छी गुणवत्ता का खाद, अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां बड़ी बड़ी कंपनियों के हम उनको उपलब्ध कराएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।